사람이 가진 것으로 해서 싸우고 싶습니다. 가인도 죽은 것 माना चाहते हैं थोड़ी सी देर हो गई अब हमारे मंजिल मेहमान पहुंच चुके हैं जनाब खालिद महमूद साहब साबिक जस्टिस ऑफ शरीयत अपने कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अब मैं उन्हीं से दावत दूंगा कि वो आज के मौजूद सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत पर बात करें जनाब खालिद महमूद साहब الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آل الأطهياء وأصحاب الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم سادسة گرامی قدر واہگل احترام دانش قرآن اسلام سامعین عزیز بزرگان قوم اور خواتین محترمات اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک بڑی مدت کے بعد پھر اپنے شہر شاہکوٹ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا کچھ پرانے دوستوں کی یاد تازہ ہوئی اور کچھ سے ملاقات بھی ہوئی آتے ہی مجھے بہت سے دوستوں نے میرے مرحوم بھائی جناب احسان قریشی کا تذکرہ کیا اور اسی نسبت سے پھر مجھے یہاں حاضری کا موقع دیا تو میں احسان کے اس احسان کا بسم اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں اس وقت مجھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جامعہ کے بارے میں کچھ بیان کرنے کے لیے موقع دیا گیا ہے تو میں دین و دنیا کا ربط محمد یعنی وہ تو ہو رہا ہے کہ فطرت کا جب فطرت کا قلم چلا تو اس
कि फितर ने सबसे पहले जो नाम लिखा आज उसकी नस्बत और उसकी उम्मत होने के एहसास से और मुसलमान होने के एहसास से मैं उनके जिक्र से इस उम्मान पर कुछ अर्ज करूंगा और जिसके नामों की नहीं है इंतहा इब्तदा करता हूं उसके नाम से। अगर कोई शख्स हमें ये कहे कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कोई एक सतर कह दो जिसमें कि सारी सीरत का नुक्ता आवाज सामने आ जाए तो मैं ये दुआ करता हूँ रब्बाना आतेना फिर दुनिया हसनतम व फिर आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार कि ऐ परवरदिगार हमें दुनिया में भी अच्छाइयाँ अता फरमा और आखिरत की भी अच्छाइयाँ अता फरमा। तो दुनिया और दीन में ये रब जो नबी जो रब जो इस्लाम ने पेश किया है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का उन्वान है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में जिन लोगों ने खुदा के नाम की आवाज़ दी और खुदा के नाम की तरफ बुलाया उनमें ज़्यादा आवाज़ें वो थी जो उतर के दुनिया का सबूत देती थी कि ऐ इंसानों तुम जब इस दुनिया में आए हो तो अपनी बिसात के मुताबिक यहाँ दुनिया को तर्क करो, दुनिया के असबाब तर्क करो, दुनिया की राहतों को तर्क करो, इससे खुदा राजी होगा। यही आवाज़ हिंदू योगियों की थी और यही आवाज़ गिरजाओं से ईसाई पादरियों की थी, हत्ता के उन्होंने अपने गिरजे की मैनेजमेंट के लिए और उसके निज़ाम को आगे चलाने के लिए ये कैद लगाई हुई थी कि पादरी वही हो, चर्च फादर वही हो जो गैर शादीशुदा हो, क्यों इसी में तर के दुनिया का सबूत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहले रहनुमा हैं कि जिन्होंने तर के दुनिया से नहीं दुनिया को अच्छा बनाओ और दुनिया की अच्छाइयां चाहो रब्बाना आतेना फिर दुनिया हसना दुनिया में अच्छाइयां मांगो खुदा से, अच्छाइयों की राहें तलाश करो और फिर आखिरत और आखिरत की भी अच्छाइयां उसके साथ लाजिम करो। ये सीरत की एक फरमान है और उसका एक खुलासा यही है कि दीन और दुनिया दोनों में रब कायम। यहां एक गलती हम आम लोग करते हैं वो ये कि कभी लोग इस्तेमाल करते हैं दुनियादार और कभी कहते हैं ये दीनदार, तो दुनियादार और दीनदार में कोई तकाबुल नहीं। ये तकाबुल जो है वो किसी मुसलमान की जुबान से निकल निकलना चाहिए कि दीनदार और दुनियादार इसका माना ये कि दीन दुनिया के मुकाबले में आया नहीं, दुनिया के मुकाबले में लफ्ज़ आखिरत है और दीन दोनों पर छाया हुआ, दीन की आवाज़ दोनों पर है। तो जब हम ये कहें दुनियादार और दीनदार तो दीन आ गया दुनिया के मुकाबले में, हालांकि दुनिया और आखिरत दोनों को यहाँ भी शक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जाना यही है कि इन्होंने दोनों को मिलाकर और दोनों की अच्छाई के लिए सबक दिए। फिर ये कि ये तो दुनिया और दीन का, दुनिया और दीन जो है इसके तकाबुल में हम गलती करते हैं दीनदार और दुनियादार। इसका हासिल ये है कि सीरत की जामियत का तसव्वुर हमारे बाकी नहीं रहा, अगर बाकी होता हम दीन की अच्छाइयाँ दोनों में पाते, दोनों की काश में सब लेते और दोनों पर अपनी विसार के मुताबिक अमल कर पाते। और एक पहलू इसमें जामियत का ये है कि जिस तरह दुनिया और आखिर का मुकाबला है इसी तरह अमीर और गरीब का भी मुकाबला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाब में भी अपनी जामियत पेश की कि अगर तुम गरीब हो तो उस गरीब मक्का को देखो कि जो सफर करने जाता है और तजारत की राह से हलाल तरीके से जिंदगी के पूरे आदाब से और दयानत के पूरे एहतराम से आगे बढ़ता है, और अगर खुदा ने बादशाही का ताज तुम्हारे सर पर रख दिया है तो ताजदार मदीना को देखो, वही एक है जिसने गुरबुख जो जिसने
होर मुद्दों हालात का मुकाबला किया और वही है कि जिससे दुनिया भर ताजमहल करके दिखा दी, हुकूमत करके दिखा दी। तो दोनों यहाँ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जामे सामने आएगी। इंसान पर जिस तरह ये मुख्तलिफ मराहिल गुजरते हैं कि कभी मुजर्रद होता है और कभी मुताहिल होता है, शादीशुदा होता है, घरेलू जिंदगी भी है उसकी और उसकी पब्लिक लाइफ भी है, इस एतबार से देखें तो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका 25 साल तक इस तरह वो महफूज रही कि उनकी जवानी की, उनकी इज्जत की, उनकी दयानत की हर कोई शख्स उठा सकता था और अहले मक्का उनकी शहादत देते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल तक इस उम्र तक अपनी जिंदगी इस तरह गुजारी, इस तरह इफ्फत से, इस तरह शर्म हया से गुजारी कि इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। मक्के के कौन बड़े लोग, तजुर्बाकार लोग इसकी कसम खाते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 25 साल जिंदगी में, जबकि जवानी का बिल्कुल शबाब था, सीरत की पाकीज़गी थी, खानदान के एतबार से बहुत आला और ऊंचे दर्जे में थे, उस वक्त आपने शादी की हजरत सैयदुल कुबरा से जो तकरीबन जिंदगी की 40 मंजिलें गुजार चुकी थी, तो आपने उस वक्त एक बेवा औरत शादी की। इसमें जब आपने बेवा औरत शादी की तो आप अपने गिरदो पेश के हालात पर नजर करें, हर जवान जो खूबसूरत भी हो, जिसकी जवानी भी बेदाग हो, जिसका खानदान बहुत ऊंचा हो, उसको आम तौर पर एक नहीं कबारे रिश्ते कई कई मिलते हैं, लेकिन उसने अपनी उस उम्र में और अपनी उस सीरत में और दयानत और अमानत के माहौल में आपने शादी की तो एक बेवा औरत से की और दुनिया को यह पहला समझा कि औरत को हकीर न समझो। हम अपने अपने बच्चों की शादियों के लिए जब रिश्तों पर नजर करते हैं तो पहले नजर होती है इस पर कि कबारा रिश्ता जो है वो मिलता है कि ये नहीं, जब ना मिले तो फिर उस तरह रुख किया जाता है, अमल भी किया जाता है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन आप जरा अंदाजा करें कि उस माहौल में जहां औरत को इस वक्त गिराया जाता था और बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस माहौल में आप जब पैदा हुए और आपने परवरिश पाई तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शान ने नबी पाक के जरिए दुनिया को क्या सबक दिया कि औरत को डिग्रेड ना करो, औरत जो है उसका एहतराम पहले अपने अंदाज में होगा, दूसरी जिंदगी में अपने अंदाज से होगा और तीसरी जिंदगी में अपने अंदाज में होगा। तो मेरी बात का हासिल और खुलासा यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को ऊंचा किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के उस दौर में थे जब वो मुजर्रद थे तो उनकी दयानत इफ्फत और हया की कसम खाई जाती थी, और जब आपने जिंदगी की जिम्मेदारी को संभाला तो आजकल लोगों को एक घर को बसाना मुश्किल होता है और उस तकबर ने एक वक्त में तकरीबन 9 बीवियों के साथ गुजरे औकात करके दिखा दी। हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग तो इस पर बड़ा एतराज करते हैं कि इस्लाम में ये कसरत इज़्तिवाज और कसरत अज़्वाज ये क्यों है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जिसके बारे में तुम गौर कर रहे हो, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, उसकी जिंदगी की के मुख्तलिफ हालात को और मुख्तलिफ मुद्दों को और मुख्तलिफ कर्कों को भी देखा। अब जो शख्स 25 साल की जवानी में एक बेवा औरत शादी करता है और जब तक वो रही वो दूसरी शादी का नाम नहीं लेता, अब अचानक जब उसकी सीरत के मैं उसकी जिंदगी में तुम इन पहलुओं को देखो तो उसने कई शादियां की, तो तुम्हारा उस माहौल के सियाको सिबाक में उसके कंटेक्स्ट में आपने नहीं गौर किया कि जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो खुद क्या था और उसकी जिंदगी किन दायरों से गुजर गई, जिसने अपनी पूरी जवानी और पूरी औलाद एक ही औरत साथ वसर कर दी, तो मालूम हुआ कि जिंदगी में असल घरेलू घरेलू पहलू यही है। लेकिन जब उसकी वफात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक और बूढ़ी औरत शादी और फिर जितनी औरतें भी आपके निकाह में आई सिवाय एक के सब बूढ़ी उम्र की थी। अब सवाल यह है कि जो शख्स अपनी जिंदगी की इन सारी मंजिलों पर आगे जा चुका है
उसने दूसरी तीसरे मौके पर भी शादी क्या पूरी औरत से कर दी थी। इसका भी एक पास मंजर है। और रजा मिश्री ने इस पर बड़ी बहस की, मैं उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन सिर्फ ये बात अर्ज करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह ताला ने आपको मनसबे नबूवत पर खड़ा किया और हजूर को ये जिम्मेदारियां दी, तो उस वक्त सबसे ज्यादा इंसानी सोसाइटी किस मुल्क में मजरूर थी? जहां तक तारीख के काले उलम की हैसियत से मैं इस पर गौर कर सकता हूं कि सबसे ज्यादा इंसानी सोसाइटी मिलने जुलने में और आदाब इंसानी सोसाइटी आदाब बजा ना लाने में अपनी मिसल थी, तो वो अरब की जमीन थी। हमारे पंजाब में एक मुहावरा है कि जब कोई शख्स किसी की बात ना माने, कहो कोई बात कह रही हो तो वो माने ही ना, जिद पर आ जाए, और जरा जरा सी बात पर जिद पर आ जाए तो कहते हैं ऐसे बड़ा अड़ब है, जिन्ना इन आखी जाए समझाई जाए गल करिए बड़ा अड़ब है, यानी मानता ही नहीं। इसका माना यही समझ जाता है कि इसके मिजाज में सख्ती है, मिजाज में खुद बीनी है, किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार ही नहीं। इंसानी सोसाइटी वहाँ कामयाब होती है कि जहाँ कोई किसी की बात माने, तो इसी तो बात को मानता ही नहीं। तो हासिल ये कि सबसे ज्यादा तफरका कहाँ था? अरब में। इर्द गिर्द बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, लेकिन जहाँ भी सल्तनत हो वहाँ कुछ एक दूसरे के मानने वाले होते हैं, किसी को बड़ा बनाकर आगे करने वाले होते हैं, तो वहाँ तो सल्तनत भी कायम होती है, निज़ाम भी कोई बनता है। और जहाँ कोई किसी की बात ना माने वो तो बहतारे अरब लोग होते हैं। तो रोम में अजीम सल्तनत थी, ईरान में अजीम सल्तनत थी, मिस्र की एक अजीम सल्तनत सोसाइटी और उसकी अपनी एक तारीख थी, शाम की अपनी थी, सारे मुल्कों में हर जगह सोसाइटी कायम थी, लेकिन अरब में कोई सोसाइटी कायम नहीं थी। वहाँ सिर्फ सरदार थे अपने कबीलों के, वो शाहसवार थे उन्हीं के साथ उनकी कौम, कि जहाँ कहीं घास और पानी नजर आया वहाँ चल पड़े, वहीं ऊँटों की तारें चली और वहीं खुद चले। पूरी दुनिया में ये एक मुल्क था कि जहाँ कोई सोसाइटी ना थी और मिलना जुलना ना था, लोग एक दूसरे के खिलाफ कितने कि कबाइल की अपनी जंगें थी, सारा साथ तक आगे चलती, और बाप जब मरते तो अपनी लड़ाइयाँ अपनी औलाद को विरासत में देते। जिस तरह माँ बाप की विरासत औलाद पाते हैं, तो अरबों ने जंगें भी अपने बड़ों से पाई थी। उस मुल्क में जिसमें कोई लोग मिलने जुलने वाले थे ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पैगंबर को मकबूल फरमाया कि जिसने उनको आपस में जोड़ दिया जो जोड़ने वाले ना थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात अजीमा में एक बड़ा मौजज़ा है कि आपने वहां के लोगों को जोड़ा जो जुड़ने वाले ना थे। और आपने किस तरह जोड़ा कि आपके पीछे कोई दौलत नहीं, ये उसने जोड़ा उस शख्स ने कि जो पैदा होते ही यतीम था, जिसका कोई बड़ा भाई नहीं जो बाप की जगह ले, कोई बड़ी बहन नहीं जो माँ की जगह ले ले, ले दे के अपनी बिरादरी थी, कुरैश के रुआसा थे, और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत इसी में थी कि वो बिरादरी वाले जो वही मुखालिफ हो गए। जब उस पैगंबर ने खुदा के नाम की आवाज़ उठाई तो सबसे पहले मुखालिफ करने वाले वो बिरादरी के थे। तो यहाँ और फिर नबी पाक के पीछे कोई सल्तनत नहीं, किसी सल्तनत से रब्ता नहीं, किसी बैरूनी मदद का की उम्मीद नहीं। तो उस वो एक यतीम उठा और थोड़ी सी मुदत में उसे पूरे अरबों को एक कर दिया, और एक भी ऐसा किया कि फिर मदीना वाले और मक्का वाले जो आपस में बड़ी जंगें लड़ सके थे, बदर की लड़ाई हो या और की लड़ाई हो, जो इतनी जंगें लड़ सके, मदीना और मक्का वाले एक हो गए। फिर एक मदीना को देखो कि जिसमें औस और खज़रज के कबाइल जो आपस में मुखालिफ शुरू तक मुखालिफ चले आ रहे, वो भी एक हो गए। तो ऐसा अजीम इंसान कि जिसने उनको जोड़ा तो जुड़ने वाले ना थे, जिन्होंने पूरी मुल्क की तारीख बदल दी और इस तरह गुरबत और यतीमी से उठकर सारी बदल दी, ऐसा दुनिया में इनकलाब लाने वाला तो और कोई ना हुआ।
और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसे हुजूर के अजीम वो इजाज गुजर किया ऐ मेरे महबूब लौ अनफक्ता मा फिल अर्द जमीअ अगर आप दुनिया के पूरे खजाने खर्च कर देते इस इत्तेहाद के लिए जो अरबों ने कायम किया जो अरबों ने आपकी सरबराई में कायम किया और दुनिया में एक इंकलाब पेश किया लौ अनफक्ता मा फिल अर्द जमीअ आप पूरी दुनिया के खजाने पर खर्च करते मा अल्लफ्ता बैन कुलुब आप उनको जोड़ नहीं सकते थे लेकिन आप जब जोड़ रहे थे मेहनत आपकी थी सीरत आपकी थी हिम्मत आपकी थी पीछे खुदा का हाथ था अल्लाह बैना अल्लाह बैना खुदा ने जोड़ा हुआ तो अमल जाहिर हो इंसान के हाथ पर अमल जाहिर हो पैगंबर के हाथ पर और इस तरह हो कि दुनिया हैरान रह जाए उसे कहते हैं मोईजा कि ये इसके हाथ नहीं इसके पीछे खुदा के हाथ है तो इस तरह गौर कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी के मुख्तलिफ़ ख्याल मुख्तलिफ़ हालात लोगों को आपस में जोड़ा और मुख्तलिफ़ कबाइल को जोड़ा इनके जोड़ने में जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत ही मेहनत की तो एक बात ये कि आपने मुख्तलिफ़ कबाइल में शादियाँ की कसरत अजवाज पर सवाल उठाने वाले तालिबे इस पर गौर नहीं करते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुद खानदान कुरैश के थे आपने मुख्तलिफ औरतों से मुख्तलिफ खानदानों से आपने शादियां करके मुआशरे को एक करना उनको एक दूसरे के करीब करना ये बिरादरी के और नस्ली इम्तियाजात को मिटाना आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस अजीम मकसद हासिल करने के लिए बूढ़ी औरतों से शादियाँ की और सिर्फ एक बीवी आपने वो मुंतखब की कि जिसके जरिए आपने उम्मत में आगे तालीम का काम देना था आम तौर पर आदत ये होती है आदत ज़माना यही है कि बचपन में जो हाफ़िज़ा होता है बचपन में जो कुव्वत याददाश्त होती है वो बुढ़ापे में नहीं होती अब एक पैगंबर दुनिया में कहता है कि ऐ लोगों इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ मैं तुम सब के लिए एक पैगंबर तो जब पैगंबर ने इंसानी सोसाइटी में ये आवाज लगाई कि तुम सब के लिए एक मैं एक पैगंबर तो इस लाइफ को कहते हैं पब्लिक लाइफ लेकिन इंसान की जिंदगी जिस तरह मुख्तलिफ में बटी है एक इस तरह बटी है पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ जो प्राइवेट लाइफ है उसका सिर्फ घर वालों को पता होता है और जो पब्लिक लाइफ है उसका सब सुनने वालों को सामीन को सब दोस्तों को सब मुखातबीन को सबको पता होता है तो जिस पैगंबर ने ये कहा था तुम सब के लिए नमूना हो उसकी पब्लिक लाइफ को देखने वाले सहाबा थे और बड़ी तादाद में थे और मक्का और मदीना के थे और हर मंदिर के थे और हर खानदान के थे और हर कबीला के थे लेकिन उसकी जो प्राइवेट लाइफ है वो भी जिंदगी का हिस्सा है जब हम इसको सीधे जामिया के नाम से पेश करना चाहें तो क्या कहेंगे कि आपके घर के हालात को नकल करने वाली और रवायत करने वाली सिर्फ एक ही औरत हो और फिर और रफीक हयात होती है जिसकी जिंदगी तकरीबन करीब के दौर में शुरू हुई और करीब के ही दौर में खत्म हुई लेकिन जिंदगी का ये फासला जो उम्र मोमिनीन हज़रत आयशा की जिंदगी उनका और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का ये जो फासला था तो इसमें हिकमत रब्बानी यही थी कि एक बच्ची छोटी उम्र में इस पैगंबर के पास आए और इससे दीन का वो सबक ले कि पैगंबर की वफात के बाद भी वो नित्य सदी तक उम्र को हुज़ूर की प्राइवेट जिंदगी का सबक देती रहे वो लड़की छोटी उम्र में आए तभी उसका हाफिज़ा जो है वो एक वाकई हाफिज़ा होगा और ऐसा हाफिज़ा जो है उसकी रखने वाली ही फिर दीन की हाफिज़ा होगी तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहू ने आपको आपकी सीरत इस तरह बनाई कि आपने जवानी भी देखी 25 साल जवानी भी देखी उस जवानी का एहसास पूरे मुल्क पूरे हाँ था मक्का में छाया हुआ उसके बाद उसकी शादी भी हुई फिर उसकी औलाद भी हुई और जब जिंदगी अपने तीसरे दौर के करीब पहुंचने वाली थी उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने
उसको कहा कि एक बच्ची छोटी उम्र में इसके निकाह में है, क्यों? इसलिए कि उसकी याददाश्त अच्छी है, उसका हाफिज़ा अच्छा होगा, उसकी मेहनत अच्छी होगी। हत्ता के अल्लाह तबारक तआला जल्ला शानू ने, अरे अगर ये दूसरी सूरत होती है कि अगर आप किसी बच्ची को शागिर्द बनाकर पास लाते या चंद बच्चियों को तौर शागिर्द के घर में रखी जाती तो वो अपने मकसद के लिहाज से कितनी इतना सही कदम क्यों ना होगा। लेकिन फिर भी जो मुखालिफीन है उनमें कई ऐसी बातें उठा सकते थे जो पैगंबर की शान के लायक नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बच्ची तो इसके पास आए लेकिन बतौर शागिर्द के नहीं, बतौर बीबी के आए। और इस लिहाज से खामद और बीबी की उम्र में फर्क हो इसके निकाह में हमारी सोसाइटी जो है वो कोई इनकार का पैदू ना पाए, तो जहाँ शादी इस तरह हो सकती है कि वो हजूर जवान है और बूढ़ी औरत शादी कर रहे हैं, तो वहाँ सीरत का एक ऐसा मरहला भी आया, आप खुद बूढ़े हैं और एक नौजवान बच्ची से एक बिल्कुल कम उम्र और कम से बच्ची शादी कर रहे हैं। तो जब हमसे ये सवाल किया जाता है कि इस पैगंबर ने इतनी शादियाँ क्यों की, तो उनके यहाँ ये तसव्वुर भी नहीं होता कि जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं उसकी पूरी जिंदगी पर, जिंदगी मुख्तलिफ करनों पर, जिंदगी के मुख्तलिफ मरणों पर, इन मुख्तलिफ शादियों पर में से एक एक पर गौर करें। आपने एक बहुत बड़े बहादुर जनरल इस्लाम, बहुत बड़े बहादुर का नाम सुना होगा, जनरल अल खालिद बिन वलीद, जिसकी फतूहात और जिसकी शोहरत की दास्तानें हैं आपने अक्सर सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। तो ये खालिद बिन वलीद थे जिसने अपनी एक हिकमत के साथ जंगे ओहद में मुसलमानों को पसपा किया था। जब हजूर ने कहा था कि इस दर्रे को तुमने नहीं छोड़ना, तो उस दर्रे से पीछे जाकर हमला करके मुसलमानों की फतह को शिकस्त में बदलने वाला कौन था? खालिद बिन वलीद। ये उसकी है, ये उसकी उस वक्त की तारीख है जब वो कुफर में था। तो आपने कभी गौर किया कि इतना बड़ा बहादुर जो जंग का बिल तो पासा पलट कर रख दे, काफरों की सभा में हो और मुसलमानों में, दूसरी तरफ जहाँ बड़े बड़े बहादुर थे और हजूर भी थे, इस दाव के साथ उसने मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया कि मुसलमान कैसे बदल गई। ये किस वजह, ये किस तरीके से दायरा इस्लाम में आया? हजूर की इसी तरह के मुख्तलिफ खानदानों में शादियां की, उन शादियों में खालिद बिन वलीद के साथ उनका जो तारीखी रिश्ता निकला उसे उनकी काया पलट ली, और खालिद बिन वलीद जो पहले उनकी सभा में थे अब इस्लाम की सभा में जनरल आए, तो बहुत बड़े जनरल हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जहाँ जदीद तारीख याफ्ता लोग और साइंस के मैदान में तरक्की करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं और मजहब के खिलाफ ये एक जज्बात उठ रहे हैं, उन्होंने इन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर मुल्क में जाने का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ नाम लेने का मौका अता फरमाया। अमेरिका में मेरे एक दो सफर हो जाते हैं साल और भी मुल्कों में, तो वहाँ मैंने ये देखा कि आज गैर मुसलमानों का रुख मुसलमानों तक, वो नबूवत की सदाकत और रिसालत की सदाकत पहले से नहीं, पहले हमारे मुसलमानों के साथ इन गैर मुसलमानों का पहले सवाल ये होता था कि खुदा एक है या नहीं, वो कहते थे कि भाई तुम एक खुदा को मानते हो, हम तीन में एक और एक में तीन को मानते हैं। आज इस्लाम की बात इन बैरूनी मुल्कों में अकायद के नाम से नहीं होती, आज दो तहजीबों के नाम से होती है। पहले था एक तरफ अकायदे इस्लाम और एक तरफ अकायदे कुफर, आज ये बात नहीं। हजूर की रिसालत के बारे में ये नहीं होता था कि सच्चे रसूल है या यूं ही खुदा के नाम पर इन्होंने ये फहराया बयान इख्तियार कर रखा, आज वो दुनिया नहीं। आज इस्लाम की तहजीब क्या है और दूसरे लोग जो है उनकी तहजीब क्या है, यूरोप की तहजीब क्या है, एशिया की तहजीब क्या है, आज तहजीबों का टकराव है। डॉक्टर इकबाल मरहूम जब
इंग्लैंड गए और उन्होंने वहां तालीम पाई और वहां कुछ वक्त गुजारा, उस तहजीब का करीब से होकर मुताला किया, तो आते हुए उन्होंने सबक दिया अपने अहले वतन को, सियालकोट और पूरे पाकिस्तान बल्कि उस वक्त हिंदुस्तान का हिंदुस्तान वालों को कि मैं वहाँ पढ़कर जो आया हूँ तो मैं उनको एक पैगाम देकर आया हूँ। क्या पैगाम दिया कि ऐ यूरोप की कौमों और ऐ बरतानिया वालों या ऐ तालीम जदीद के मुख वालों, वक्त आएगा तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। क्या वक्त आएगा तुम्हारी तहजीब के जिस तहजीब के रेले में तुम बह रहे हो तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी कि शाकिर नाजुक पे आशियाना बना है ना पाएगा होगा। अब उसे बता दिया था कि वो तहजीब ऐसी है कि आमतौर पर दूसरे को मारने के लिए खंजर दूसरी तरफ से होता है, हमला दूसरी तरफ से होता है, गोली दूसरी तरफ चलती है, लेकिन तुम आले मगरिब तुम इस तरह जा रहे हो, इस तरह चल रहे हो कि तुम्हें खत्म करने के लिए बैरूनी हमले की जरूरत नहीं, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आपकी खुदकुशी करेगी। उसने तो यह सबक दिया था कि कौमों में तहजीबें लड़ती हैं, हम लोगों ने यही शक्ल बना लिया कि नहीं अकायद लड़ते हैं, जब कभी दूसरी कौमों की बात करनी हो तो अकायद साहब उनका कीदा ये उनका कीदा ये। इंसानी सोसाइटी के एतबार से अगर देखो तो सवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीट जामिया के और कहीं अमन नहीं मिलेगा, पनाह नहीं मिलेगी, राह नहीं मिलेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु ने बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि इतने अजीम पैगंबर जिसकी नजीर दुनिया में और कोई भी दीनी रहनुमा और कोई भी पेशवा नहीं, हमें उसकी उम्मत बनने का मौका दिया। तो हमें सुंदूर की सीरत को ख़याल तहसीन अदा करते हुए अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि हम इस इंसानी सोसाइटी का कहां तक हक अदा कर रहे हैं। इंसान जब तक इंसान की इज्जत ना करे वहां बात को मुख्तसर करते हुए ये कहता हूं कि इंसान जब तक इंसान की इज्जत ना करे और उसके दिल की कोशिश ये ना हो कि इंसान इंसान के लिए राहत का सबब बने और इंसान को सहूलत राम वहां पहुंचाए, आराम वहां पहुंचाए, उसको लोग इंसान ही क्या। इंसान का लफ्ज जो है वो उर्स का पैगाम देता है, आपने उर्स का लफ्ज आम सुना होगा, तो उर्स का माना होता है मोहब्बत और रब्ता, तो इंसान का लफ्ज जो उर्स का पैगाम है। आज के हम इंसानी सोसाइटी में इस तरह हैं कि हमारे वजूद से दूसरे को उन्स पैदा हो, हमारे तरीके से दूसरे को जो राहत मिले कुछ आराम मिले, बल्कि दूसरे इंसान को मुश्किल में डालना और उसको इस तरह परेशानी में डालना एक हुनर समझा जाता है। और जो शख्स इस तरह वो कहते नहीं बड़ा होशियार है बड़ा चारा इस तरह उससे बचो, तो इस तरफ तवज्जो करे। जरा बहुत हुक्म है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का तो पता दिया ही, आप खुदा के पैगंबर थे और इसमें कोई शक नहीं, और खातम नबियीन के जिनके बाद पैगंबर थे, ये तो सारे कमालात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी जगह थे, लेकिन आपने तो इंसानी सोसाइटी पर शीरो शकर किया, गरीब और अमीर पर शीरो शकर किया, आका और महकूम पर शीरो शकर किया, खरीदार को और बेचने वाले को आपस में शीरो शकर किया। इंसानी सोसाइटी के जितने भी दायरे तो समझ में आ सकते हैं, इंसानी सोसाइटी जितने दायरों में घूम रही है उन तमाम दायरों को एक एक कर देते जाएं तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीटे जामिया हर दायरे के लिए। अगर तुम गरीब हो, अगर तुम महकूम हो, तो जिंदगी के दिन किस तरह गुजारने हैं, तो महकूम में मक्का को देखो, और अगर खुदा ने इज्जत का ताज तुम्हारे सरों पर रख लिया है तो ताजदारे मदीना को देखो। अगर तुम कारोबार करते हो तो शाम को ताजे को देखो जो अपने चचा के साथ भी तजारत के लिए सफर कर रहा है और जिनके तजारती सफरों की पता बाद में अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में उतारी है। और अगर तुम उस मुअल्लिम हो तो मदीना मुनव्वरा के मुअल्लिम को देखो, उसने असहाबे सफा की किस तरह तरबियत दी,
और खुदा ताला की याद का सबक देने वाले हो तो पांच उसकी अदाए नमाज को देखो कि उम्मत को तो कहा कि पांच नमाजें उम्मत को तो कहा कि तुम पांच नमाजें पढ़ो और खुद अपने ऊपर सात नमाजों की जिम्मेदारी लिए। आपके लिए तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी तो आपका अपना अमल का पहिया देखो तो आगे होगा। उम्मत को कहा कि तुम्हारे पास जब माल जमा हो और एक साल गुजर जाए और माल इस निसाब तक पहुंच जाए तो तुम अपने माल को पाकीजा करो ज़कात अदा करके। इसका मतलब क्या है कि माल जमा करना हराम नहीं, तुम माल जमा कर सकते हो बशर्ते कि उसका हक अदा करो, और वो हक क्या है कि ज़कात अदा करो। लेकिन अपनी बारी आई तो आपने माल जमा ही नहीं किया अपने लिए कि ज़कात तक न पहुंचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, रोजा भी रखे, हज भी किया, लेकिन ज़कात नहीं, क्यों? इसलिए कि ज़कात कभी फर्ज ही नहीं हुई। तो अपनी उम्मत के लिए तो यह रखो ही रखी कि तुम माल जमा कर सकते हो बशर्ते कि उसका हक अदा करो और अपने माल को पाकीजा करो, और माल पाक माल पाकीजा होता है ज़कात अदा करने और अपने लिए खुद आपने माल ही जमा नहीं किया। लैसा अला माल नबी ज़कात। ये लोग गलत कहते हैं कि आपने भी जायदाद बनाई थी, आपने भी कोई जायदाद बनाई ना, आपने कोई जायदाद नहीं बनाई थी। हम ये मैं ये नहीं कहता कि जायदाद बनाना जायज़ नहीं, मैं हजूर की सिर्फ इस्तेबाबी पहलू को ऐसे सामने रख रहा हूँ। हजूर ने जायदाद नहीं बनाई, बाद मौरखीन और तारीख के तारे में समझते हैं कि नहीं हजूर की भी जायदाद थी। जब वो बात हुई तो आपकी एक जायदाद थी जिसका नाम था बाग फदक, आपकी ये भी जायदाद थी, फला जगह जमीन है, फला जगह जमीन है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपके साहबा इस बात को लेकर उठे और बताया कि इनकी जायदाद नहीं। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने ऐलान फरमाया कि हुज़ूर के तसव्वुर में जो ज़मीनें थी वो इसलिए थी कि उनकी जो पैदावार है उसके साथ आपके घरेलू जिंदगी घरेलू मसारिफ जो है और घरेलू जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन आपने उनसे घरेलू जरूरतें तो पूरी की लेकिन उनको अपनी जायदाद नहीं बनाया, इसलिए हजूर ने फरमाया कि हम पैगंबरों का ग्रोह जो है जायदाद छोड़ते नहीं और जो छोड़ जाए वो कौम का माल, इसलिए वो जमीनें उसी तरह रहेंगी जिस तरह हजूर के पास उस वक्त थी कि उनका माल जो है उनकी जो पैदावार है उनके जो इफादात है वो तो पहुंचे रहे वहीं जहां हुजूर के दरबार में पहुंचे थे, लेकिन इनकी मुंतकिल नहीं होगी ताकि ये कहा जाए कि पैगंबर ने कोई जायदाद नहीं बनाई। तो मैं इस तरफ तवज्जो दिला रहा हूं कि दीन और दुनिया के एतबार से नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत के एतबार से आपने एक बहुत बताई, खानदानों के लिहाज से, सोसाइटी के मुख्तलिफ इदारों के लिहाज से आपने इस तरह एक सीरत जामिया के तौर पर अपने आप को पेश किया कि आपकी सीरत को बयान करते हुए कौमें गुजर जाएंगी और सदियों पर सदियां गुजरेगी और हर जमाने में दानिशराने इस्लाम और मौरखीन इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करेंगे। दुनिया अपनी तारीख की कितनी करोड़े गुना ले कितनी आगे कौन बढ़े लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस लिहाज से बेमिसल होगा कि जिंदगी को ऐसे जामे अंदाज में अब तक कोई इंसान कायम पेश नहीं कर सका, और खुदा के नाम से भी इसको आगे किसी रहनुमा ने नहीं पढ़ा, जिसको हम यूं समझते हैं कि ये सीरत जामिया क्या है। सीरत जामिया क्या है? पहले लोगों में सीरत का यही अनुमान आता था कि दुनिया और आखिर दुनिया और दीन आखिर की दुनिया और दीन इसमें तुम तकाबुल करो, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता लोग आए किस तरफ के जो शख्सी हकूक थे जिनको बादशाही के नाम से कायम किया जाता था आपने वो एहसास बदल दिया और ऐसा मुआशर पैदा किया जो न थे खुदरा पर औरों के हाथी हो गए कि जिनको खुद चलना नहीं आता था वो दूसरों को सबक देने वाले
गए, बाजार की क्या थी कलीसा की बुनियाद रहमानियत थी, कलीसा की बुनियाद रहमानियत थी। कलीसा से मुराद है ये चर्च का निजाम और ईसाइत और मसीह का घर। कलीसा की बुनियाद रहमानियत थी। समाधि कहाँ इस अमीरी में मिली, अमीरी और रेडी दोनों जमा नहीं हो सकते, ये एजाज था एक सहारा किसी का, ये मौजदा दुनिया ने देखा एक ऐसी शख्सियत का जो सहाराओं में उठा, जिसके इर्द गिर्द कोई दौलत नहीं थी, जिसके आगे पीछे लोग नहीं थे, एक यतीम से मोटा था, ये एजाज था एक सहारा किसी का, ये एक मौजदा था जिसने सारी दुनिया को जामियत आ फरमाई। और ये सदका है आमदर सल्ला के सीरत जामिया का। अब एक निशस्त में या एक बयान में कोई शख्स हजूर की सीरत को कहाँ कहाँ खराज तहसीन अदा करता जाए और किसके किन किन छुपे पहलुओं को वो अपनी कुमत बयान से आगे लाता जाए, इसके लिए बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। और मैं ये कहता हूँ कि मजहबी लाइब्रेरी जितनी मुसलमान कौम की दुनिया में है और किसी मिलत की नहीं। तारीखी लाइब्रेरियाँ तो होंगी लेकिन मजहबी लाइब्रेरी, मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, अकीदे के नाम पर लाइब्रेरी लाइब्रेरियाँ जो हैं जब मुकाबला की जाए तो मुसलमानों की उम्मत मुसलमान की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की दीनी पहलू से लाइब्रेरी इतनी अजीम हो जाती है कि दुनिया के किसी मुल्क में रिलीजियस लाइब्रेरी आपको नजर नहीं आएगी जितनी कि मुसलमानों की। इस लिहाज से मैं सीरियस स्टडी पर ये जो ये इंतजाम है जिसके तहत आज का ये इजलास हो रहा है उसके खिदमात का इकरार करते हुए और उसको तहसीन अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। वहाँ रहने इसके साथ ही जी मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ तशरीफ लाए और खालिद महमूद साहब की बातों को आपने नोट किया, आपने सुना जी। बाहर कुछ किताबें मौजूद है जी, तसानीफ जो साहब देना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ये अगर कोई साहब सवाल जवाब करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अक्सर चलिए ठीक है, मैं इसके साथ ही प्रोग्राम को समाप्त करता हूँ। तो शुक्रिया। ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جامعہ پر پورا یقین اور ایمان رکھنے کی قوت عطا فرما، استحکام عطا فرما۔ یا اللہ اسی عقیدے پر دنیا میں رکھ اور جب سفر آخر کو تو نبی پاک کا کلمہ ہم سب کو نصیب۔ جتنے ہاتھ تیرے حضور میں اٹھے ہوئے ہیں، جتنی بیٹیوں بیٹوں کے، جتنے بہنوں اور بھائیوں کے ہاتھ تیرے حضور میں اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کو ایمان کی اسلام کی طرف فرما۔ اور اس وقت اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں پوری دنیا میں جو شور و شغب چلا آ رہا ہے اور جو شور اٹھ رہا ہے، یا اللہ ان تمام مہمات میں اسلام کو عزت عطا فرما، مسلمان ملکوں کو قوت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحابہ اجمعین۔ میرا رحمت کا یا ارحم الراحمین۔